बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और ऐसे में आरजेडी बीजेपी की रैलियों में नीतीश की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने मंच संभाला तो लालू परिवार पर हमलों की बौछार कर दी। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई लोगों बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात आप भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए था। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे व्यक्तिगत हमले से बिहार का कोई भला हो सकता है। लोग देख रहे हैं ऐसी बातें बोलने लगी नहीं था कि लोकसभा का चुनाव होगा, परिवार परिवार लड़ रहा है क्या, ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं।